ये हुजूम और ये भीड़ का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे ही नहीं है, ये जश्न का माहौल है। अभी यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता को टिकट मिला है, आज सूची जारी हुई है 157 लोगों की, इसमें मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ। देखो भीड़ को दिखाई, जरा बहुत जश्न का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के सारे समर्थक हैं और ये साहब सिंह जी के समर्थक हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पूरा माहौल बना हुआ है, इन्होंने माहौल बना दिया है और कांग्रेस की जीत का ऐलान जैसा लग रहा है, पूरा माहौल बना दिया है और साहब सिंह जी से बात करने का प्रयास करेंगे। साहब सिंह जी को टिकट मिला है, नमस्कार साहब सिंह जी, जी टिकट मिला है आपको, 157 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, क्या कहेंगे? एक मिनट जी, टिकट जो मिला है वो मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है जी, और मैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता, मेरा परिवार है, मैं पूरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता को और वरिष्ठ नेतृत्व को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक जनता का जनसेवक बनकर जनता की सेवा करने का काम करूंगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है और विश्वास है ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विजय श्री दिला के रहेगी। एक दबंग नेता से जनसेवक के रूप में छवि बदलेगी आपकी? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि दबंग नेता, यदि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता मुझे दबंग के रूप में पसंद करेगी तो मैं वही रूप रखूंगा। जनता जिस रूप में मुझे पसंद करेगी मैं उनके साथ वही रूप अपना रखूंगा और हमेशा जनता की सेवा करूंगा। जनता क्या चाहती है, जनता मुझे किस रूप में देखना चाहती है, जनता मुझे क्या मानती है, ये जनता को पूछो आप जाके। विरोधियों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। विरोधी चाहे मुझे बाहुबली कहें, चाहे वो दमंग कहें, चाहे वो कुछ भी कहते रहें, मुझे इन चीज़ों से ना मुझे फ़र्क पड़ने वाला है, ना मेरी विधानसभा की जनता को फ़र्क पड़ने वाला है। मैं क्या हूँ और मेरे लिए वो क्या है मैं जानता हूँ और मेरी विधानसभा की जनता जानती है। क्या क्या विकास कार्य की प्राथमिकताएं रहेंगी यदि आप विधायक बनते हैं तो, ग्रामीण विधानसभा में जो अभी तक कार्य नहीं किए हैं वो आप क्या क्या प्रयास करेंगे करने का? जी निश्चित तौर पर, मैं 15-20 साल से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में परेशानी में जाता हूँ। जो अभी तक विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाया है, उन कार्यों को पूरा कराने का काम मैं करूँगा और निश्चित तौर पर जनता ने जो आशा और उम्मीद मुझसे रखी है उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। क्या स्टैंडिंग विधायक मंत्री को आप टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दे पाएंगे? जनता से मुकाबला है, मेरे से नहीं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता से भारत सिंह का मुकाबला होगा, आप समझ सकते हो। जनता का जिससे मुकाबला होता है उसमें किसी व्यक्ति की जीत नहीं होती है, मतलब आपका कहने का मतलब जनता वर्सेस बीजेपी? जी बिल्कुल, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बीजेपी लाडली लक्ष्मी, आवास योजना, वृद्ध पेंशन, बहुत सारे फॉर्मेशन के काम कर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? उनकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। वो आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह से जो वचन दिए उन वचनों पर वो खड़े उतरेंगे और निश्चित तौर पर उन वचनों का लाभ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता को ही नहीं पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। आपके टिकट होने से, लास्ट सवाल है मेरा, आपके टिकट होने से कलह का भी एक उद्गम हुआ है, कई लोग भी टिकट मांग रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है कलह की, जहाँ तक कोई बात की जा रही है। हमारे आपस की कोई घर परिवार की बात होगी या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपस की कोई बात होगी, पार्टी एक परिवार होता है, हम एक दूसरे को जो हमसे या पार्टी से नाराज होंगे उनको मनाएंगे, ये हर पार्टी में दल में ये होता है। नाराजगी जब दावेदार 4 या 5-10 होते हैं हर पार्टी में, हर विधानसभा क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर नाराजगी होती है, बस उस नाराजगी को भी हम कहीं ना कहीं आपस में बैठ कर ख़त्म करेंगे। ये थे हमारे साथ साहब सिंह नेताजी, जिन्हें टिकट मिलाया है और विधायक की तैयारी कर रहे हैं। मैं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट 24। नमस्कार, जय हिंद।